हमारे यहाँ फैक्ट्री में 100% बिहार के लोग हैं। 100% बिहार के लोग हैं। अच्छा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एंड बिहारी प्रोडक्ट फर्स्ट। बिहार में अपना ब्रांड भी है, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। उसको धीरे धीरे जितना हम प्रमोट करेंगे, लोगों को पता चलेगा कि ये बिहार का है, आप बिहार से हो और आप बिहार के प्रोडक्ट को खरीदोगे, तो जाहिर सी बात है कि फैक्ट्री को ऑर्डर मिलेगा और धीरे धीरे वो उन्नत। हम लोग मुजफ्फरपुर से हैं और हमारी कंपनी का नाम है कॉस्मस लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी 2002 में शुरू हुआ था और जो हमारे ओनर है वो मुजफ्फरपुर के हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत इसकी मुंबई में करी थी। तो पिछले 20 सालों से हम मुंबई में बना रहे हैं। आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स हैं बैग्स के, कॉस्मस के नाम से। और लेकिन फिर बिहार गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके तहत हम लोग ने बेला इंडस्ट्रियल इस्टेट जो मुजफ्फरपुर में है वहाँ पे हम लोग ने 2 लाख स्क्वायर फीट का जमीन लिया है और हमारा फैक्ट्री वहाँ पे बन रहा है। तो इट इज़ अ वेरी हैप्पी, ये फरवरी से स्टार्ट हो जाना चाहिए हमारा प्रोडक्शन। बाहर के लोगों को ही इसमें रोजगार मिलेगा या बाहर से भी लोग आएंगे? देखिए, यहाँ पे भी हमें तो वहाँ पे करीबन 2500 डायरेक्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है और लगभग 7500 लोग होंगे जी यूज हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा है कि प्रोडक्ट बिहार में बनके ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड जाने की। सर, हम लोग अभी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। जैसे ये हमारा सेफ्टी शूज है, सेफ्टी बना रहे हैं। इधर हमारा फैशन शू है सर, दोनों हमारा, ये सेफ्टी जा रहा है रसिया, ये हमारा लंदन का प्रोडक्ट है सर। हाँ, ये लंदन और अमेरिका वगैरह का है। हाँ, और ये रसिया का है सर, पूरा सेफ्टी। ये रसिया का प्रोडक्ट? यस, ये हमारा प्योर लेदर शू है। अच्छा। और ज़्यादा लोग आजकल हमारा लोकल मार्केट में है जो डिमांड करते हैं स्पोर्ट्स शू, उसको हम लोग लेदर शूज को कन्वर्ट किए हैं स्पोर्ट्स शूज में। लुक है वो लेदर, पूरा प्योर लेदर है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का लेदर है इसमें यूज किया गया है, पूरा टाटा का लेदर यूज किया गया है। बाहर से लेदर मंगाते हैं हम लोग, तो मिला जुला के मेड इन इंडिया है, भारत का। हाँ, यस सर, स्पोर्ट्स रिलेटेड सूट है इस, और पूरा कंप्लीट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। पालीगंज से 50 किलोमीटर दूर पालीगंज में है, तो वहाँ पर हमारी फैक्ट्री लगी हुई है। मैं पहले बाटा इंडिया में था, उसको छोड़ करके हमने यहाँ फैक्ट्री डाली है। अगर प्रोडक्ट है और आपको कम्पिटिटिव प्राइस विद डिजाइन एंड कम्फर्ट, फुटवेयर में 3 चीज बहुत जरूरी है, डिजाइन होना चाहिए अच्छा, कम्फर्ट होना चाहिए और आपका कम्पिटेटिव जो आपके जिसके साथ आपका कंपटीशन है, और आपका कस्टमर कौन है, आपका लो सेगमेंट में है, मिड सेगमेंट में है या हाई सेगमेंट में है, तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं, तो आप उसको रख करके आप डिजाइन बनाइए, कंटिन्यूसली नया डिजाइन बनाइए। ये जूता है 999 का है। हाँ। इसमें फुल ईवी सोल लगा हुआ है, नीटेड अपर लगा हुआ है। हाँ। और इसी के साथ अगर ये TPR के साथ सोल आ जाएगा तो ये 1299 1300 रुपये का ये आएगा MRP का। सेल प्राइसेस यदि आपको बोलते हैं, हमारा जो क्वालिटी रहता है वो 400 रुपये से शुरू होता है स्कूल बैग्स में, और लैपटॉप बैग्स और स्कूल कॉलेज बैग्स की कैटेगरी होती है, स्लिंग बैग्स होता है, तो अप टू 3000 रुपीज तक हमारा बैग जाता है। चलिए, इस वक्त हम ज्ञान भवन में उपस्थित हैं और ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का जो आयोजन है वो किया गया है। बिहार सरकार की तरफ से ये आयोजन कराया गया है। इसमें मुख्य रूप से उद्योग मंत्रालय का एक अभिन्न हिस्सा है। आपको हम ये दिखा रहे हैं किस तरीके से जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं और करीबन 600 से ज़्यादा जो निवेशक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब हम कुछ ऐसे स्टॉल पर बातचीत करेंगे कि आखिर उनका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जाता है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। कहा जाता है कि बिहार से ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो विदेशों में जाते हैं, विदेशों में निर्यात होते हैं, लेकिन अब हम देखिए टेक्सटाइल एंड लेदर ट्रेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि हम इस स्टॉल पर आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग हैं कहाँ, कैसे। बताया तो ये क्या है कि बिहार के ही सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी आज पहुँचे हुए हैं, पहला दिन है आज। क्या कहिएगा, कहाँ से आए हैं? सर, हम लोग हाजीपुर से हैं। हाजीपुर से आप लोग आए? जी सर, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया। कहा जाता है कि बिहार में उद्योग करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, तो किस तरीके से होता है उद्योग? सर, हम लोग अभी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। जैसे ये हमारा सेफ्टी शूज़ है, सेफ्टी बना रहे हैं। इधर हमारा फैशन शू है सर, दोनों हमारा, ये सेफ्टी जा रहा है रसिया, ये हमारा लंदन का प्रोडक्ट है सर। अच्छा, वो लंदन का प्रोडक्ट? हाँ, ये लंदन और अमेरिका वगैरह का है। हाँ। और ये रसिया का है सर, पूरा सेफ्टी। ये रसिया का प्रोडक्ट? यस सर। तो मतलब ये प्रोडक्ट का जो बनावट है, यानी जो बनता जो है वो तो बिहार में ही, हाजीपुर में ही बनता है। जी जी। अच्छा, तो हाजीपुर से बनता है और बाहर निर्यात होता है? हाँ, निर्यात होता है। अच्छा, तो क्या कीमत होता है इसका? अगर आप मान लीजिए बाहर भेजते हैं तो ये जूता अगर आप यहाँ पर 2000 में बेचेंगे तो रशिया में इसको आप 6000 में बेच सकते हैं। डॉलर चलती है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पर कॉस्टिंग आ रही है 2000 रुपीज में, तो वहाँ पर हमारा ये कॉस्टिंग जा रहा है $500 में वहाँ पर सेल हो रही है। अच्छा, ब्रांड की बात कही जाती है हमेशा, लोग ब्रांड लेना पसंद करते हैं, ठीक है, तो आपका कौन सा ब्रांड? हमारा ये ब्रांड है रशिया का दिया हुआ ब्रांड, लंदन का दिया हुआ ब्रांड है, ये वुल्फ लंदन है।
अच्छा वुल्फ नंदन। यस सर, एक डोनांडी है, दी डोनांडी करके है, एक वुल्फ नंदन है, एक रियल एवेंजर करके है। बाकी के जूतों में और इन जूतों में क्या अंतर है? ये हमारा प्योर लेदर शू है और ज़्यादा लोग आजकल हमारा लोकल मार्केट में है जो डिमांड करते हैं स्पोर्ट्स शू, उसको हम लोग लेदर शूज को कन्वर्ट किए हैं स्पोर्ट्स शूज में। लुक है वो लेदर, पूरा प्योर लेदर है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का लेदर है इसमें यूज किया गया है, पूरा टाटा का लेदर यूज किया गया है, बाहर से लेदर मंगाते हैं हम लोग। मेड इन इंडिया है, भारत का। हाँ यस सर। तो चलिए हम आपको ये भी एक दिखा देते हैं, आप हमेशा बॉलीवुड और हॉलीवुड के स्टार्स को देखते होंगे कि ऐसा जो बूट शूज इसको कहते हैं ना। यस सर, बूट शू। हाँ, तो बूट शूज जो होते हैं वो पहनते हैं और फोटो शूट कराते हैं, फोटो डालते हैं, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार से ही उद्योग स्टार्ट किए, बिहार से उद्योग स्टार्ट करके लंदन और उसके बाद से फ्रांस, रशिया, सब जगहों पे इनका जो है वो प्रोडक्ट है वो जाता है। हम ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उद्योग मेला जो है वो लगा हुआ है बिहार में, बिहार के ज्ञान भवन में। और एक और बगल में आप अगर आते हैं तो आरकेडी स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि यहाँ पर अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो शूज हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। क्या है मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड शूज है? स्पोर्ट्स रिलेटेड शूज है और पूरा कंप्लीट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। पालीगंज से 50 किलोमीटर दूर पालीगंज में है तो वहाँ पर हमारी फैक्ट्री लगी हुई है। मैं पहले बाटा इंडिया में था, उसको छोड़ करके हमने यहाँ फैक्ट्री डाली है। लोग कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्रीज नहीं है, बिहार में उद्योग नहीं है, लेकिन यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है 600 से ज्यादा जो निवेशक है वो यहाँ पे निवेश किए। बिहार में अपना ब्रांड भी है, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। उसको धीरे धीरे जितना हम प्रमोट करेंगे लोगों को पता चलेगा कि ये बिहार का है, आप बिहार से हो और आप बिहार के प्रोडक्ट को खरीदोगे तो जाहिर सी बात है कि फैक्ट्री को ऑर्डर मिलेगा और धीरे धीरे वो उन्नत होएगा। कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट उस समय अपने पीक पर होता है जब वो चीप एंड बेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप उसके बाद बढ़ा दीजिएगा, लोगों को अगर इसकी क्वालिटी अच्छी लगने लगेगी तो महंगा भी होगा तो लोग जरूर लेंगे, लेकिन पहले लोगों को लगना चाहिए, इस पे भरोसा आना चाहिए लोगों का। तो क्या कहिएगा? नहीं नहीं देखिए, ऑफकोर्स अगर प्रोडक्ट है और आपको कम्पिटिटिव प्राइस विथ डिजाइन एंड कम्फर्ट, फुटवेयर में तीन चीज बहुत जरूरी है, डिजाइन होना चाहिए अच्छा, कम्फर्ट होना चाहिए और आपका कम्पिटेटिव जो आपके जिसके साथ आपका कंपटीशन है और आपका कस्टमर कौन है, आपका लो सेगमेंट में है, मिड सेगमेंट में है या हाई सेगमेंट में है, तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं, तो आप उसको रख करके आप डिजाइन बनाइए, कंटिन्यूसली नया डिजाइन बनाइए और फ्रेशनेस लाइए, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट अच्छा करेगा और डेफिनेटली अच्छा करेगा। विदेशों में भी निर्यात होता है क्या? नहीं, अभी विदेशों में निर्यात नहीं होता है। विदेशों में निर्यात नहीं। चलिए, स्पोर्ट्स शूज जो है वो है यहाँ पर, और कीमत क्या होती है एक मतलब औसतन एक जूता का? जैसे ये जूता है 999 का है। हाँ। इसमें फुल ईवीए सोल लगा हुआ है, नीटेड अपर लगा हुआ है। हाँ। और इसी के साथ अगर ये टीपीआर के साथ सोल आ जाएगा तो ये 1299 1300 रुपए का ये आएगा एमआरपी का। हाँ। अच्छा, और जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो पूर्ण रूप से बिहार के होते हैं बाहर से? हमारे यहाँ फैक्ट्री में 100% बिहार के लोग हैं। 100% बिहार के लोग हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी प्रोडक्ट फर्स्ट। चलिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट और बिहारी प्रोडक्ट जो है वो भी फर्स्ट, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और एक तरीके से आप कह सकते हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट जो है वो यहाँ पर लगा है। और देखिए, लेदर बैग स्कूल में जब लोग जाते हैं पढ़ने और फिर अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो बैग का जरूरत जो है वो काफ़ी पड़ता है। बातचीत करेंगे बैग्स की कीमत क्या है और निर्यात कहाँ होता है। अलग अलग बिहार से कुल मिला जुला के लोग हैं, तो आप बिहार के किस कोने से आए हैं? हम लोग मुजफ्फरपुर से हैं और हमारी कंपनी का नाम है कॉस्मस लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी 2002 में शुरू हुआ था और जो हमारे ओनर है वो मुजफ्फरपुर के हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत इसकी मुंबई में करी थी, तो पिछले 20 सालों से हम मुंबई में बना रहे हैं। आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स हैं बैग्स के, कॉस्मस के नाम से। और बिहार में आप लोग का है मतलब इंडस्ट्री है? जी, तो अभी तक हम वहाँ बनाए रहते, लेकिन फिर बिहार गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके तहत हम लोग ने बेला इंडस्ट्रियल स्टेट जो मुजफ्फरपुर में है वहाँ पे हम लोग ने 2,00,000 स्क्वायर फीट का जमीन लिया है और हमारा फैक्ट्री वहाँ पे बन रहा है, तो इट इज अ वेरी हैप्पी। ये फरवरी से स्टार्ट हो जाना चाहिए हमारा प्रोडक्शन। बिहार के लोगों को ही इसमें रोजगार मिलेगा या बाहर से भी लोग आएंगे? देखिए, यहाँ पे भी हमें तो वहाँ पे करीबन 2,500 डायरेक्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है और लगभग 7,500 लोग होंगे जिनको कि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हाँ। तो उतना मुझे लगता है उतना वर्कफोर्स तो यहाँ पर है कि वो यूज हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा है कि प्रोडक्ट बिहार में बनकर ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड जाने की कैपेबिलिटी रखता है। एवरेज कीमत क्या है बैग का? जो कीमत होता है रिटेल प्राइसेस यदि आपको बोलते हैं, हमारा जो क्वालिटी रहता है वो 400 रुपए से शुरू होता है स्कूल बैग्स में, और लैपटॉप बैग्स और स्कूल कॉलेज बैग्स की कैटेगरी होती है, स्लिंग बैग्स होता है, तो अप टू 3,000 रुपीज तक हमारा बैग जाता है बनके। चलिए, हमने
मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 की, यानी कि अगर आप स्टॉल्स पर घूमने लगेंगे तो ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो आपको अलग अलग और यूनिक जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी। और सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी बात ये है कि सब बिहारी हैं, यानी कि बिहार की कंपनी है सब, और इन्वेस्ट जो है वो अब खुद बिहार में लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार सरकार की जो पहल है वो काफ़ी अच्छी है, इसी कारण से जो इन्वेस्टमेंट है वो अब हम बिहार में कर रहे हैं। हम आपको ऐसे दो तीन जो लोग हैं जो टेक्सटाइल लेदर ट्रेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के हो गए या फिर स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लोग हो गए, जो बैक सेलर है, जो कॉस्मस लाइफस्टाइल के जो लोग हो गए, उनसे हमने बातचीत करी। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या फिर जो बिजनेस कनेक्ट है 2023 पे, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, धन्यवाद।